दिल्ली से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच के निर्देश के आलोक में 3 सदस्यीय टीम ने हजारीबाग का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन, उपायुक्त व जिला प्रशासन के साथ धोबिया तालाब के अतिक्रमण एवं इसमें मलमूत्र गिराए जाने के मामले की जांच की। साथ ही झिझरिया पुल नाला के अतिक्रमण की भी जांच की। जांच के दौरान कई मामलों में अनियमितता की बात सामने आई। उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने अपने अधिकारियों को कागजात के साथ मापी कर नाला एवं तालाब के अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस देने की बात की। साथ ही इसमें कार्रवाई करते हुए तोड़ने की भी बात कही। फिर एनजीटी है ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें मैंने ये तालाब को बचाने के लिए केस की 2016 में जुलाई में, और ये तालाब 7 एकड़ है, ठीक है, और शहर का पूरा पानी जो बरसात का होता है वो आता है इस तालाब से, और ये तालाब से होते हुए नाला झिझरिया पुल होते हुए पूरा चानो होके जाता है। तो लोगों ने इसको इंक्रोच करना शुरू किया, तो मैं एक क्या बोलूँ, सामाजिक होने के कारण सोची कि अगर इसको बचा लिया जाए, इसको पेड़ पौधा लगा के इसको सुंदरीकरण किया जाए। और नाला के लिए मेरा है अनुरोध कि हर घर से 2000 पानी निकलेगा ही लीटर, ठीक है, तो वो पानी कहाँ जाएगा, ठीक है, सब घर ही बन जाएगा तो हम आने वाले जनरेशन को क्या देंगे। एनजीटी के आदेश के आलोक में आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर जांच करने आई थी और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, कुछ कुछ क्लासेस हैं और उसको मिलान करा के अनुमंडल पदाधिकारी को बोला डिटेल रिपोर्ट बनाने के लिए, उसके बाद हम एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। सब कुछ अमीन पर कार्रवाई करने की बात है। हाँ, अभी जांच के क्रम में पता चला कि 1 साल पहले अमीन को जांच करने के लिए दिया था जो उसने अभी तक नहीं दिया, और वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गए, तो इमीडिएटली उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते हुए उसको ट्रांसफर दूसरे प्रखंड में।